नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण सात में विषय हिंदी एम सातमो पाठ से ढूंढते रह जाओगे। एना पहला आप छठो जो विक्रम साराभाई जे एक पोते वैज्ञानिक है एना विषय आप जाणी गया था। आज हम पहेलिया देखेंगे। पहेलिया मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है कि पहेली जो होती है वो हमें मनोरंजन तो देती है, साथ साथ में वो दिमाग की कसरत भी कराती है और साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। हमारे अंदर सोचने की जो शक्ति होती है उन्हें वो बढ़ावा देती है, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति, तर्क यानी कि विचार करने की शक्ति को बढ़ावा देती है। किसी भी पहेली को अगर हम पूछे जाए तो पहेली का जवाब देने के लिए हम सोचते हैं और सोचते सोचते हमारी तर्क शक्ति का बढ़ावा हो जाता है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा का विकास भी में सहयोगी बनती है कि पहेली जो होती है वो सभी बच्चों को पसंद होती है और मज़ेदार इसीलिए होती है क्योंकि सभी बच्चों को अच्छी भी लगती है और साथ साथ भाषा का जो विकास होता है वो करने के लिए भी हमें मददरूप होती है। पहेली हमें शब्द वाक्य विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे जो वाक्य होते हैं जो विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत हमें भाषा के में जो बढ़ावा देने के साथ साथ वो वाक्य में और विशिष्ट रचना में उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उससे भी वो हमें परिचित कराती है। ऐसी कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई, ऐसी पहेली यहाँ पर दी गई है और उनका जवाब आज हमें सोचना है, समझना है और देना है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप उनका जवाब देंगे। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका बार। सोने की यानी कि दो तरह का मतलब होता है, सोना यानी कि जो गोल्ड होता है वो, और सोना मतलब सो जाना, स्लीप यानी कि सो जाना। तो दोनों का मतलब होता है कि सोने की वह चीज है यानी कि सुवा माटेनी चीज छे के पछी सोनानी छे। बेचे नहीं सुनार, सुनार એટલે કે સોની, સોની એને વેચતો નથી। મોલ તો જ્યાદા હે નહીં, એનો કે એની કિંમત વધારે નથી। બહુત હે ઉસકા ભાર, એનો વજન પણ વધારે છે। તો આપ બચ્ચે બતાઈએ ક્યા હે વો ચીજ, કોણ બતાયેગા? ગોપિકા, સરસ, ચાર પાઈ। क्योंकि यहाँ पर सोने की यानी कि सो जाने की चीज़ की बात की गई है, सोना यानी कि जो गोल्ड होता है, सोने की बात नहीं की गई है। सोने की यानी कि सुवा माटेनी वस्तु छे, तो एक को दिवस सुनार एटले के सोनी वेचे नहीं। मोल कारण के सोना जेटली एनी किंमत नहीं होती अने एनु वजन पण वधारे होय छे, एटले के चार पाई जेने आपणे देशी भाषा में जेने खाटलो कहीए छीए। बीजू छे, एक नगर में ढेरो चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़ कर खींच दो जट हो जाए उजाला। कि एक नगर में, एक ऐसा नगर है जिसमें ढेरों चोर, ये उनके अंदर जो ढेरों चोर रहते हैं, चोरों का मुंह काला, कि चोर है मुंह એટલે કે मुख, એમનું मुख કાળું છે, पूछ पकड़ कर એની પૂંછડી पकड़ी અને એને ખીચવામાં આવે तो जट हो जाए उजाला। तो એને જો પૂંછડી पकड़ी આપણે ખેંચીએ तो उजालू થઈ જાય। तो आप बताइए वह कौन सी चीज है, कौन बताएगा? ख्याति, माचिस, सरस, माचिस। तो माचिस के अंदर जो तिलिया होती है वो, और माचिस जो होती है वो एक बड़ा नगर है, उनके अंदर ढेरों चोर यानी कि जो माचिस की तिलिया होती है वो उनके चोर है, चोरों का मुंह काला यानी कि माचिस की तिली जो होती है उनके आगे काला जो टपका होता है वो काला चोर है। पूछ पकड़ कर यानी कि उसके जो पीछे होता है वो पकड़ कर हम खींचते हैं तो जो माचिस की तीलिया है वो जल जाती है और वो उजाला कर देती है। सही बात है। आगे देखेंगे, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो के पानी मेरा बाप, पानी यानी कि जो पीने के लिए जो पानी को हम उपयोग करते हैं वही पानी की बात है। पानी मेरा बाप यानी कि मेरे पिता है, पानी मेरा बेटा, पानी जेनो बाप पण छे अने जेना बेटा એટલે કે જેનો દીકરો પણ છે। मुंह पर करके देखो यानी कि अपना जो सिर है वो ऊंचा करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा,
के वे सभी के पर वो लेट आया यानी कि सो रहा हो। क्या है? आरोही बादल। सही बात है कि हम जो नीचे होते हैं तो वो हम ऊपर देखते हैं तो बादल दिखाई देता है, वो हमारे सबके ऊपर होता है। चौथा है, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। कि खुली रात में यानी कि जो रात होती है जब खुल जाती है यानी कि रात जब जब आगे बढ़ती है तब वो पैदा होती है, तब उनका जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, जहाँ जहाँ हरी हरी घास होती है उन पर वो सो जाती है। मोती जैसी मूरत, मूरत यानी कि उनकी सूरत, मोती जैसी उनका दिखावा है, बादल की मैं पोती हूँ। कि बादल है मैं उनकी पोती होती हूँ। तो आप बताइए क्या होता है? प्रियजीत फिर से फरीसी बोल। प्रियजीत फरीसी बोल। ध्येय बूंदे। बूंदे नहीं, ओस यानी कि जो सुबह सुबह जो झाकड़ होते हैं उनकी बूंदे यानी कि ओस। जो वो खुली रात में यानी कि जो झाकड़ की जो बूंदे होती है, जो झाकड़ जो होता है वो हमें बहुत वैली यानी कि बहुत सुबह देखने को मिलता है, बहुत सुबह यानी कि वैली सवारे। एनो जन्म क्यारे थाय छे? तो के रात जेम जेम आगळ वधे एम जे झाकड़नी बूंदो छे ए जमीन ऊपर पड़े छे। हरी घास यानी जो घास पर होती है और किसी वो पेड़ पौधे पर वो दिखाई देती है, उनके पर वो बूंद के रूप में हमें दिखाई देती है। बूंद यानी कि वो मोती जैसी दिखाई देता है और वो बादल की पोती भी है। आगे देखेंगे, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। कि इधर की जो बात होती है मैं उधर करता हूँ और इधर की जो बाती है वो उधर करता हूँ, यानी कि एक दूसरे के आपले करता हूँ। चुगलखोर पर कहे ना कोई, मैं एक दूसरे की बात कहता हूँ और इनकी बात उनको कहता हूँ, इनकी बात उनको कहता हूँ, फिर भी कोई मुझे चुगलखोर नहीं कहता, सबके काम आता हूँ और मैं सभी के मदद रूप भी होता हूँ। बोलो वो क्या है? प्रत्युष टेलीफोन। तो कि फोन ही एक ऐसी वस्तु है कि हम एक बात जो हमें पता चलती है तो हम फोन करके दूसरे को बता दें और दूसरा कोई हमें बताता है तो उनकी बात हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, फिर भी हम कभी मोबाइल को चुगलखोर नहीं कहते। अगर किसी व्यक्ति हमारी चुगली करता है, हम जो बात कहते हैं वो दूसरे को कह देता है, तो हम उन्हें चुगलखोर कहते हैं कि क्या इधर की बात उधर करते हो। तो फोन तो वही करता है कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, फिर भी हम उन्हें चुगलखोर नहीं कहते, पर वो हमारे काम भी आता है, एक दूसरे के लिए संदेशा पहुँचाने के लिए हमें काम भी आता है। तो सही बात है कि टेलीफोन। आगे देखेंगे, सोने को पलंग नहीं नहीं महल बनाए, एक रुपया पास नहीं फिर भी मैं राजा कहलाऊँ। सोने का यानी कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उनका पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, इन्हीं पास कोई मोटो महल पर नहीं, एक रुपया पास नहीं, एक रुपया पड़े इन्हीं पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊँ, छता पण ते राजा छे। आप बताइए वो है कौन? बोलो। शेर। जो शेर वो होता है वो जंगल का राजा होता है, उनके पास सोने के लिए जो सोने का पलंग भी नहीं होता, महल भी नहीं होते, उनके पास एक रुपया भी नहीं होता, फिर भी हम उन्हें जंगल का राजा कहते हैं। आगे देखेंगे, तीन अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊ, बीच कटे तो बाल कहलाओ। कि तीन अक्षर का मेरा नाम जो भी है वो तीन अक्षर का है, पानी देना
यानी कि वो पानी भी देता है। प्रथम कटे यानी कि पहला शब्द अगर हम काट दे तो दल बन जाए और बीच काटे तो बाल कहलाओ। वचनों अक्सर अपने अगर काटी ना किए तो बाल हो जाता है। बताइए वो क्या है? रिया, बादल। सही बात है। ऐसे ही पहेलियाँ जो होती है वो हमारे दिमाग में जो कसरत कराती है, हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, इसमें क्या जवाब आ सकता है, सोच सोच के हम अपने दिमाग पर जो जोर देते हैं, इसीलिए हमारे दिमाग की कसरत भी होती है। ऐसी पहेलियाँ बहुत सारी होती है। आप अभी बच्चे सोच कर रखे, शब्दार्थ के बाद में आपको पूछूंगी। शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है चीज यानी कि वस्तु, दूसरा है मोल, कीमत, मूल्य, तीसरा है डेरो, बहुत अधिक। चौथा है उजाला, प्रकाश। मुरत, मूर्ति, तस्वीर। बादल, मेघ, पोती, बेटे की लड़की, चुगलखोर, पीठ पीछे बुराई करने वाला, अभ्यास में चित्र और शब्द के मदद रूप से पहेली पूर्ण कीजिए। वो हम देखते हैं। खाली जगह अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है खाली जगह न्यारा, अंत कटे तो खाली जगह हो जाओ, खाली जगह तो बात हो जाओ। यानी कि भारत का जो नक्शा होता है वो यहाँ पर पहली खाली जगह में क्या आएगा? तीन अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा, अंत कटे तो भार हो जाओ, और बात यानी कि बीच तो बात हो जाओ। बीच में अगर हम काट दे भारत को तो क्या हो जाता है? बात। पहला अक्षर यहाँ पर जो भारत शब्द है वो प्रथम अक्षर अगर हम दुनिया में है न्यारा, अंत कटे तो तर अगर कर दे तो क्या हो जाता है? बार। और बीच कटे तो क्या हो जाता है? बार यानी कि भारत। अब दूसरा है सूरज के बारे में, खाली जगह अक्षर, खाली जगह नाम मेरा, तीन अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाओ, अंत कटे तो सूर बन जाओ। जैसे सूरज शब्द जो होता है उसमें अगर हम पहला शब्द काट दे तो क्या हो जाता है? रज हो जाता है, और जो अंत का जो काट देते हैं तो सूर हो जाता है। ऐसे ही पहेलियां बनाई जा सकती है। अब हम स्वाध्याय देखेंगे और अभ्यास भी देखेंगे। उसके पहले कई सारे ऐसे हैं जो हिंदी में जो हमें बहुत सारे
हमारे शरीर के जो रोग होते हैं उनके नाम क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। इतना जान लीजिए कि दर्द के नाम, दर्द का के नाम पहलू है हैजा। वो जो बीमारी है उन्हें क्या कहते हैं गुजराती में, कोलेरा। दूसरा है पीलिया यानी कि कमड़ो। तीसरा है आमातिसार, उन्हें क्या कहते हैं मरड़ो। चौथा है खसरा यानी कि खस। पांचवा है बुखार यानी कि ताव। छठा है आंत्र ज्वर यानी कि टाइफोइड अथवा तो मुदतियों ताव। सातवां है चेचक बड़ियों। आठवां है दाद यानी कि दादर। नौवां है दस्त अथवा तो उसको अतिसार भी कहते हैं यानी कि झाड़ा। दसवां है खुजली यानी कि खंजवाड़। ग्यारहवां है खांसी, कफ उधरस। बारहवां है कनपेड़ा यानी कि गाल पचोड़ियों। तेरहवां है कई यानी कि उल्टी। चौदहवां है ऐठन यानी कि चूक, जो छोटे बच्चे को होती है जो पेट का दर्द होता है। दमा यानी कि दम, जो श्वास का रोग होता है। बदहजमी यानी कि अपचो। तो यहाँ पर हमारा जो सातवां है ढूंढते रह जाओगे वो यहाँ पर गुण होता है। अब हम स्वाध्याय और अभ्यास में देखेंगे।